नमस्कार, मैं सोनी ओझा, स्वागत है आपका NN24 न्यूज में। चलिए रुख करते हैं झारखंड के खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी द्वारा किए जा रहे पूछताछ के विरोध में संभ्रणालय के समक्ष कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मुक्ति मंडल के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कार्यकर्ताओं संग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद जिलाध्यक्ष और विधायक ने समर्थकों के साथ उपायुक्त जामताड़ा को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। मौके पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार जानबूझकर नेशनल हेराल्ड के झूठे मामले में ईडी को आगे कर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी से घंटों पूछताछ कर उन्हें परेशान कर रही है, देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सब भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर किया जा रहा है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो कम से कम ये इस तरह का बचकाना हरकत नहीं करें। हम कांग्रेस पार्टी को आप कमजोर नहीं समझे, आप कांग्रेस पार्टी का प्यार देखे हैं, अहंकार और गुस्सा नहीं देखे। हम लोग सड़क पर जिस उतरेंगे सारा भाजपा का सत्यानाश कर देंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपने कांग्रेस के कार्यालय में ईडी को भेजा? आपने कौन सा तरीका, मैं जानना चाहता हूँ। देश के साथ गंदा मजाक कर रहे हैं आप। वेट कीजिए 24 का, 24 में कांग्रेस पार्टी आ रही है। आप बच नहीं सकते हैं और झोला छाप लेकर आपको बच्चे भी नहीं देंगे। चौकीदार को घेर देंगे और राहुल जी से कहेंगे कि चौका इसका जो झोला में क्या है जाते।